प्रतिष्ठा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म इस देश से विलुप्त होता गया इसमें बहुत सारी विकृति आती रही है। आज बेटा अपने बाप की मानने को तैयार नहीं है, आज हर एक आदमी प्रधानमंत्री बनने को तैयार है, आज किसी का आदर रेस्पेक्ट नहीं है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आपका विचारधारा में बहुत सारी कुरीति आ गई है, आपके रहन सहन में बहुत सारी कुरीति आ गई है। अगर आप बौद्ध धर्म अंगीकार करोगे तो बौद्ध धर्म अंगीकार करने का ही मतलब है आप जीवन की कला सीख रहे हो, और जीवन की कला सीखने का मतलब जो आपके अंदर कुरीति है, जो समाज में कुरीति है, उसको नष्ट करने का, नष्ट जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप ना तो अच्छा जीवन जी सकते हैं, और जब आप अच्छा जीवन नहीं जी सकोगे, जब आप अच्छा जीवन जियोगे तो आप बड़ों का सम्मान भी करोगे, आप आने वाले जो आपका नेतृत्व कर रहा है उसको भी एक नेतृत्व के हिसाब से ही देखोगे। आज लेकिन कमल ताड़े जी, आज हम पहली में एडमिशन लेते हैं या प्रेम में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ तो सारी जो है कि हिंदू धर्म की बातें बताई जाती हैं, क्योंकि आप धर्म की बात करते हो, धर्म तो एक हमारी किताबों में होना चाहिए। जैसे कि भगवान गौतम के समय में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, उन्होंने धर्म लिखा गया और आज भी बहुत सारी किताबें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं सिलेबस में नहीं है। देखिए, अगर आप काल्पनिक बातों को अगर सिलेबस में रखोगे तो उससे बच्चों का विकास होने नहीं वाला नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक बातों को अगर अपने अपने किताबों में सिलेबस में शामिल करोगे तो शायद आपका विकास हो जाएगा। आज अगर हमारे देश में साइंटिस्ट पढ़ा, अब्दुल कलाम को पढ़ाया जाए, अंबेडकर को पढ़ाया जाए, बुद्धिज्म को पढ़ाया जाए, और देश में जिन्होंने आविष्कार किए उन साइंटिस्टों को पढ़ाए तो बच्चों में प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी कुछ आविष्कार करने चाहिए। अब बच्चों को आप पढ़ाई उलट सुलट बातें रहे, काल्पनिक बातें पढ़ाओगे तो बच्चे भी वैसे हरकतें करेंगे ना। आज आपके सामने कोई चार मुंह वाला आदमी खड़ा हो जाए तो बच्चे उसको देख के डरेंगे यार क्या करेंगे। आज वही आपके सामने एक वो व्यक्ति आ जाए जिसने हवाई जहाज का निर्माण किया, एक वो व्यक्ति आ जाए जिसने टेलीविजन का निर्माण किया, एक वो व्यक्ति आ जाए जिसने बल्ब का निर्माण किया, तो बच्चे उनसे कुछ सीखेंगे। आज सीखने वाली पद्धति हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है, आज आविष्कार करने वाले सिस्टम हमारे देश से विलुप्त होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, और उस अंधविश्वास के कारण कि आज हमारा भारत देश अंधकार में डूबता जा रहा है।